नमस्कार, श्रीमती मुहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मलसर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य, उसको हम प्यारे विद्यार्थियों ले रहे हैं अब। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो कवि हैं हमारे वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी, और ये इनके प्रबंध काव्य है इनका, और इसका श्रेष्ठ सर्ग है उससे महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उन्हीं पदों की व्याख्या हम करेंगे। तो आज हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र, जो कि एक प्रबंध काव्य है, और इसमें षष्ठ सर्ग से ये है, ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से लिया गया है या अवतरित है, इस प्रकार से आपको प्रसंग में लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का ये पद। पहला ही पद है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा की दृष्टि से। तो इस पद को हम देखेंगे, ये 2012 के परीक्षा में आया हुआ है, तो ये वैसे भी महत्वपूर्ण है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि धर्म का दीपक दया का दीप, धर्म का दीपक दया का दीप, कब जलेगा कब जलेगा विश्व में भगवान। धर्म का दीपक दया का दीपक, दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही ऐसा ये नर की भावना निष्काम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य है, इसमें प्यारे विद्यार्थियों जो भीष्म पितामह महाभारत के पात्र है, भीष्म पितामह, उसके माध्यम से, उनके माध्यम से जो है सुख शांति अहिंसा, इसका संदेश इसमें कवि ने दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, भीष्म का जो चरित्र है उसके माध्यम से संसार के लिए प्रेम शांति सहयोग, ठीक है, तो संसार के लिए प्रेम शांति सहयोग आपसी भाईचारा, ठीक है, और इसके साथ साथ संसार में अहिंसा, ये जो अच्छे अच्छे गुण हैं इनके बारे में इन्होंने बताया है। इसके ऊपर जो भीष्म पितामह के चरित्र के माध्यम से पूरे संसार में प्रेम शांति सहयोग अहिंसा भाईचारा, ये इस संसार की सबसे आवश्यक चीज़ है, तो उसको यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। साथ ही साथ आज की जो विज्ञान, आधुनिक जो विज्ञानवाद है उस पर आक्षेप किया है। आधुनिक विज्ञानवाद व बुद्धिवाद, आधुनिक विज्ञानवाद और जो बुद्धिवाद है उस पर क्या किया है, आक्षेप किया है कवि ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने व्यंग्य किया है कि उनका, उनको ये आज का जो आधुनिक रूप से ये विज्ञानवादी जो सोच है वो कवि को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ये मानव के हित के लिए कम है और विध्वंस के लिए ज़्यादा है। तो ये बात यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी से काव्य के माध्यम से कह रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो इसमें ज़्यादा कठिन शब्दार्थ नहीं है इतने। धर्म का दीपक यानी धर्म रूपी दीपक, धर्म रूपी, अब धर्म क्या है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, मानव मानवीय धर्म का दीपक, मानवीय धर्म का दीपक, और मानव मात्र के प्रति दया का दीप, मानव मात्र के प्रति दया का दीप, दीपक वो कब जलेगा, कब जलेगा विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, अभिषिक्त का मतलब होता है अभिषेक किया हुआ, या अभिषेक या फिर नहलाई हुई, यहाँ पर ज्योति के लिए आया है तो नहलाई हुई नहाई हुई, इस प्रकार से इसका अर्थ होगा।
हो सरस होंगे, रस युक्त हो जाएंगे, जली सूखी, जो जली यानी जली हुई, सूखी यानी शुष्क है। अब यहां पर क्या जली हुई है? दुख, बुराइयों, बुराइयों से संतप्त जो धरती है, वो यहां पर प्यारे विद्यार्थी उसको जली हुई बताया है। रसा मन धरती के प्राण, बहुत बरसी धरित्री का मतलब धरती है, पर अमृत की धार मन, अमृत की धारा यानी इस संसार में, भारत जैसे देश में या इस संसार में, इस धरती पर अच्छे अच्छे गुणों रूपी अमृत की धारा बही है, लेकिन पर मन परंतु अभी तक भी सुशीतल मन अच्छी प्रकार से शीतल, अच्छी तरह शीतल, अच्छी तरह शीतल शीतल नहीं हो सका है, शीतल हो सका संसार यानी संसार वो अच्छी प्रकार से शीतल या अच्छे गुणों से युक्त नहीं हो सका। भोग लिप्सा यानी इस भौतिकवाद के कारण, भोग लिप्सा यानी सुख भोग की इच्छा, मानव की सुख भोग की लिप्सा का अर्थ होता है इच्छा। प्यारे विद्यार्थियों आज भी लहरा रही है उद्दाम, उद्दाम माने अत्यधिक, अत्यधिक, अतिशय, या इसको हम क्या कहेंगे, अतीव, बहुत अधिक ये भोग लिप्सा की इच्छा लहरा रही है, बह रही है, बह रही है माने बह रही है, या फिर यहां पर अर्थ इसको लेंगे हम कमजोर पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। असहाय मैंने बेसहारा, असहाय होकर के क्या नर मनुष्य की भावना, निष्काम जो निष्काम भावना है वो कमजोर पड़ रही है, निष्काम भावना कमजोर पड़ रही है यानी कामना रहित, जिसको हम कहेंगे कामना रहित। मनुष्य की जो भावना है, जो भौतिकवाद के प्रति जो कामना है बहुत ज्यादा बड़ी है, वो इसके कारण क्या है कि मनुष्य की जो मानव मानव के प्रति जो प्रेम भावना है वो कम हो गई है। तो इसी को भीष्म पितामह के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से पूरे विश्व में प्रेम, शांति, सहयोग, अहिंसात्मक स्वरूप को अपनाने और अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने को यहाँ पर चरितार्थ किया गया है। साथ ही साथ आधुनिक जो विज्ञानवाद है, भोगवाद है और जो बुद्धिवाद है उस पर कवि ने आक्षेप किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, धर्म का दीपक दया का दीप, धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा, कब जलेगा? तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कवि, हे भगवान इस संसार में कब धर्म का दीपक और दया का दीपक का प्रसार होगा या दीपक जलेगा। अर्थात यहाँ पर कवि सुमित रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि कब मानो मानो के प्रति जो धर्म रूपी मानवीय धर्म का दीपक, कैसा दीपक है? मानवीय धर्म का दीपक, अर्थात मानव मानव सब जैसे प्रेम से रहे, मानव मानव के प्रति आपसी भाईचारा लगाव हो, ऐसा दीपक कब जलेगा? तो यहाँ पर कवि अपनी कल्पना से, कवि अपने भगवान से कामना करता है कि हे भगवान कब इस संसार में मानवीय धर्म का दीपक जलेगा, कब मानव मानव के प्रति एक प्रत्येक मानव में दया का जो दीपक है वो जलेगा, और कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण। अर्थात कवि यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि कब वो ऐसा दिन आएगा कि जब मानवता की जो सुकोमल ज्योति है, मानवता की जो सुकोमल ज्योति है उसमें जो जली सूखी अर्थात जो संतप्त जो धरती है, कब ऐसा दिन आएगा जब सुकोमल ज्योति मानवता की जो सुकोमल ज्योति है, सुकोमल भावना रूपी जो ज्योति है, कब अभिषिक्त होगी अर्थात नहलाई होगी, कब सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण, कब इस धरती जो सुखी और जली हुई है ऐसी धरती के जो संतप्त है ऐसी धरती के प्राण कब सरस होंगे रस से युक्त होंगे, कब ऐसा दिन आएगा? अर्थात यहाँ पर सरस होने का तात्पर्य प्यारे विद्यार्थियों ये है कि ये जो धरती है वर्तमान समय में जो मानव मानव के बीच में जो हिंसा हो रही है, मानव मानव के बीच में जो हिंसा है, विद्वेष है, घृणा है, शोषण है,
इससे धरती क्या हो गई है, जल गई है, जल रही है, जली सूखी, सूखी मैंने शुष्क है, जली हुई है। किस कारण से जली हुई है? तो मानव की बुराइयों के कारण, मानव की भांति भांति की जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों के कारण क्या हुआ, ये धरती संतप्त है, दुखी है। वो किस रूप में? मानव एक दूसरे मानव से घृणा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, विद्वेष कर रहा है। तो इस प्रकार के घृणा, हिंसा, विद्वेष मानव मानव एक दूसरे के प्रति रखने के कारण शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो उससे ये धरती क्या हो गई, अत्याचार शोषण ये सब इसके कारण धरती क्या हो गई, धरती संतप्त हो गई है, दुखी हो गई है। धरती संतप्त है, दुखी है, जल रही है, पीड़ित है। तो इस प्रकार से कवि यहाँ पर रामधारी दिनकर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कब ये धरती है वो सरस होगी। कैसे? जब ये धरती सूखी, जो घृणा, हिंसा, विद्वेष, अत्याचार, शोषण ये से युक्त जो धरती संतप्त है वो कब सरस होगी, कब इस प्रकार की भावनाओं से, वो बुरी भावनाओं से वो दूर होगी। और है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हालांकि इस धरती पर बहुत सारी अमृत की धारा बही है। धरती पर अमृत की धारा का मतलब यहाँ अच्छे अच्छे सद्गुणों से युक्त जो भाव है, यहाँ के महापुरुषों ने, यहाँ के ऋषियों ने, यहाँ के अच्छे अच्छे लोगों ने जो है इस धरती को प्रदान किए हैं। लेकिन फिर भी अब तक सुशीतल हो सका संसार, फिर भी ये संसार है वो अच्छी प्रकार से शीतल नहीं हो सका, क्योंकि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही है उद्दाम। क्योंकि सांसारिक जो सुख भोग की जो इच्छा है वो आज भी अत्यधिक अतिशय रूप से लहरा रही है। अर्थात ये जो भोग की भावना है, सुख भोग की इच्छा, भौतिकवाद के कारण प्यारे विद्यार्थियों मनुष्य की जो सुख भोग की इच्छा है वो अत्यधिक रूप से उमड़ रही है, या वो इच्छा है वो बहुत अधिक उस उन लोगों मानव आज के जो भौतिक मानव है उनमें अत्यधिक मात्रा में भरी पड़ी है। जिससे क्या होगा, बह रही ऐसा है नर की भावना निष्काम। इसके कारण से मनुष्य की जो निष्काम भावना है वो धीरे धीरे अब कमजोर पड़ रही है। बेसहारा होकर के मानव की जो निष्काम भावना है वो प्यारे विद्यार्थियों कमजोर पड़ रही है। अर्थात जो मानव, जो श्रेष्ठ मानव, जो कि जिस मानव के लिए देवता भी तरसते हैं, इस धरती के लिए जो मानव लोक है इसके लिए तो देवता भी तरसते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे गुणों से युक्त जो मनुष्य की जो भावनाएं थी वो अब भौतिकवाद के कारण समाप्त होती जा रही है। यही यहाँ पर कवि ने चिंता व्यक्त की है और दुख व्यक्त किया है। तो आज के लोग केवल सुख भोग, भौतिक सुख भोग की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। लालसा, इच्छा अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है। इसके कारण मनुष्य के हृदय में निष्काम भावना कमजोर पड़ रही है। भोग लिप्सा के कारण प्यारे विद्यार्थियों, भोग लिप्सा के कारण कर्म फल के प्रति भी आसक्ति बढ़ रही है, और इस कारण से बुराइयां बढ़ रही है। हिंसा, स्वार्थ आदि की भावना, आसक्ति की भावना का प्रसार हो रहा है, क्योंकि इन भोग प्राप्ति, इन सुख भोगों की इच्छा के लिए मनुष्य तरह तरह के नाना प्रकार के जो है बुरे कार्य कर रहा है। केवल उसका एकमात्र लक्ष्य हो गया है, मैं अपने स्वार्थ को पूरा कर लूं, मैं अपने जीवन को सुखमय कर लूं, भौतिकता से युक्त कर लूं, बस इसी में जीवन का उसको अपना लक्ष्य मानता है। वो मानव मानव के प्रति दया भावना, प्रेम भावना, सहयोग की भावना जो है ये इन इन चीज़ों से दूर होता जा रहा है, केवल अपने तक सीमित हो रहा है। ये सब आधुनिक भौतिकवाद के कारण हो रहा है। तो आधुनिक भौतिकवाद के कारण मनुष्य से दूर होता जा रहा है। वह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम भावना, सहयोग की भावना से रहित होता जा रहा है, और केवल वह सुख भोग, सांसारिक जो सुख भोग है या भौतिक जो सुख भोग है उसी की इच्छा उसको लगी रहती है। और जो मनुष्य की जो सच्ची निष्काम भावना थी वो सब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। तो इस बात की चिंता यहाँ पर कवि ने इस पद्य में की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि वर्तमान में मानव जीवन में व्याप्त जो बुराइयाँ हैं और धरती का जो इस प्रकार का जो वातावरण है भौतिकवाद का, उसकी ओर संकेत किया है। मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है इसमें, मानवतावादी दृष्टिकोण कवि का व्यक्त हुआ यहाँ पर। मानवतावादी, क्योंकि कवि ने यहाँ मानव के बारे में सोचा है, मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। और प्यारे विद्यार्थियों, धरती है
वो वर्तमान समय में मानव जीवन में जो बुराइयां हैं वो उसमें भरी पड़ी है, इस ओर संकेत किया गया है। अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास है, काव्यलिंग यमक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है। ठीक है, तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये समझ में आ गया होगा। छंद है सुगेय है, मुक्त छंद है सुगेय है, और खड़ी बोली हिंदी का इसमें प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ये अच्छा पद है, और आज के समय की जो वर्तमान समय की स्थिति को रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कुरुक्षेत्र वही है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, और इसमें भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, इस प्रकार के जो पात्र हैं उनको लेकर के यहाँ पर जो संवाद भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का जो संवाद है उसके रूप में मानव की जो भौतिकवादी जो दौड़ है उसको यहाँ पर संकेतित किया गया है, किस प्रकार से मानव है वो इतनी ज़्यादा भौतिकवाद में जो है लिप्त होता जा रहा है, जिसमें जो मानव के अच्छे अच्छे गुण हैं, जो मानव वास्तव में जिसके लिए जाना जाता है वो धीरे पूरी तरह से समाप्त होते जा रहे हैं, और इससे परस्पर मानव मानव के बीच में वैमनस्यता, विसंगतियाँ, विद्वेष की भावना, हिंसा की भावना, अत्याचार, शोषण, इस प्रकार की कुभावनाएं, बुरी भावनाएं आ रही है, और इससे मानव कभी सुखी नहीं रह सकता। और मानव जो केवल भौतिकवाद को ही सुख का साधन मान रहा है ये उसकी भूल है, ये इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ पर उजागर करना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ ये पद आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के आगे के जो पद है उनको लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े, 2012 में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको पढ़े, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।